नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अरंडी के पौधा को तंत्र शास्त्रों में दुख हरने वाला और कल्याण करने वाला बताया जाता है। इसे माता पार्वती का स्वरूप कहे गए हैं। जो सफेद कलर का अरंडी होता है, इसे माता पार्वती का स्वरूप बताया जाता है। सफेद अरंडी की जड़ पर, जो पुराने सफेद अरंडी की जड़ होते हैं, इसके अंदर गुप्त खजाना दबा होता है। सफेद अरंडी की जड़ को घिस कर आंख पर लगाने से 7 पताल तक जो जमीन है उसमें दबा हुआ धन दिखाई देने लगता है। और तंत्र शास्त्र में इसके फल को धनदायक और रोग हरता बताया जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अरंडी के चमत्कारिक प्रयोग। जानने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन, अगर आप इस प्रकार के वनस्पति शास्त्रों की जानकारी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करने लगते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। तो मित्रों, इसके जड़ को रवि पुष नक्षत्र में ला करके चांदी के ताबीज में भर करके पहनने से माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि धन परेशानी है, रोग परेशानी है, जो भी परेशानी है वह परेशानी समाप्त हो जाते हैं। इसके जड़ और महुआ के जड़ को एक साथ बांध दे और शत्रु के घर में फेंक देने से शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। इसके बीजों की माला बना करके छोटे बच्चों को पहनाने से नजर दोष नहीं लगता। और इसके बीज का निकाला गया जो शुद्ध तेल होता है, इस तेल को अगर मोहिनी मंत्र पढ़ते हुए मनवांछित स्त्री पर डाला जाए तो वह स्त्री तत्काल वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए और सफेद कलर की अरंडी का तेल होना चाहिए। इसके तेल का तिलक लगाने से कार्य में पदोन्नति होता है। जीवन में चल रही परेशानी है, जो बाधा है, ग्रह नक्षत्र की पीड़ा है, ये समाप्त होते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके जड़ को पहनने से, अगर दिवाली के दिन इसके जड़ को ला करके पहनते हैं तो जुआ में विजयी होता है, यानी कि जो जुआ है सट्टा इसमें विजयी होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि किसी भी शुभ मुहूर्त के दिन सायंकाल 6 बजे के बाद, शुभ मुहूर्त होना चाहिए जैसे कि होली है, दिवाली है, कोई भी जो दिन आता है शुभ मुहूर्त, उसमें 6 बजे के बाद इस वृक्ष की जड़ में दूध डालने से इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी आपकी इच्छा हो वह इच्छा बोलते हुए शाम के 6 बजे आपको इसके जड़ में दूध डालना है तो इच्छा की पूर्ति होती है, चाहे वह इच्छा कुछ भी क्यों ना हो। अगर जीवन में धन का भाव हो तो दिवाली के दिन इसके तने में 11 पीली कौड़ी बांधने से धन की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि धतूरे के रस से इसके पत्ते पर श्री लिख करके अगर नदी में बहाया जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। तत्काल 24 घंटे के भीतर में जो भी आप इच्छा लिख करके बहाएंगे, मतलब श्री लिख करके जिस भी इच्छा के लिए बहाएंगे वह इच्छा पूर्ण होती है। और श्री लिख करके बहाने से घर में धन की भी बढ़ोतरी होती है। तो आशा करते हैं कि वनस्पति शास्त्रों में इसके बारे में जो छोटे छोटे जानकारी बताए हैं आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।